लेफ्ट साइड वाला एरिया देखते हैं ये। तो पहले क्या किया, इस तरीके से आउटलाइन जो है ईयर्स की अंदर डिटेल्स वगैरह वो बना लो हल्के से, ठीक है। ये वाला पूरा एरिया से करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो अपन ये फिल करेंगे डार्क तरीके से, ठीक है, उसी कोई टेंशन नहीं है। ओके अब आते हैं ये राइट साइड वाले पोर्शन में। इसे दो तरीके हो सकते हैं करने के, या तो पूरा एक डायगनल से पहले भर दो, ओके, राइट साइड एरिया एक अपना, लेफ्ट साइड एरिया सॉरी, पूरा एक डायगनल से भर दिया, पर्टिकुलरली जो स्पॉट चाहिए अपन को जितना डेप्थ उसे उतना डालो, ओके। ये एक तरीका हो सकता है। फिर एक तरीका जैसे इसमें दिखाया है कि वहां पहले हल्का हल्का शेड किया है, ओके, और फिर उसमें ब्लेंड किया है, मतलब वो स्ट्रोक्स दिए। तो अपन पहले आइडिया तो अपन को पता ही है कि कैसे करते हैं इस वाले हैट की वजह से। दूसरा तरीका देखते हैं, तो ब्रश ले लो अपना, ब्रश हल्का हल्का यहाँ चलाने लगो इस एरिया में से। ये मैंने शेड कर दिया इस तरीके से भर के, ठीक है। अब मैं कुछ एरिया देखता हूँ, जैसे ये वाला एरिया आता है जो यहाँ पे बना रखा है, इसमें बहुत ज्यादा ऐसे वो नहीं है स्ट्रोक्स यहाँ पे। अब मैं अंदर की आउटलाइंस जो है उन्हें डार्क कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं उन्हें परफेक्टली एकदम डार्क किया, जहां जहां मैं हैचिंग कर रहा हूँ मैं सिर्फ पर्टिकुलरली वो एरिया भी डार्क कर रहा हूँ, ताकि मेरे को आइडिया रहे कि मैं कहाँ हैचिंग कर रहा हूँ। ये है तो यहाँ पे किस तरीके से है, यहाँ पे से थोड़ा हल्का सा कर्व करते हुए, ये है इस तरीके से कर्व, हल्का सा कर्व इस तरीके से बनाते जाओ। ये यहाँ पे आए, धीरे धीरे इनका जो डायरेक्शन है अभी इस तरीके से है, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आते जा रहा है, डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, इस तरीके से हल्का सा कर्व हुआ नीचे की तरफ से, मतलब ऊपर से आया और नीचे की तरफ कर्व इस तरीके से हुआ छोटे छोटे एरिया में। फिर ये जो ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, ये बाकी का जो रेस्ट ऑफ द एरिया, यहाँ से इधर पे स्ट्रोक्स थोड़े डार्क कर लो, और यहाँ नीचे की तरफ ये जो एरिया आ रहा है इसे थोड़ा और डेफिनेट दे दो, सेम चीज यहां पे, ठीक है। यहां पे अब देखो जैसे ये एरिया भी खाली है, बहुत ज्यादा भरा नहीं है, तो यहाँ पे भी जो गिनती के स्ट्रोक्स हैं वो देने अपन को, ठीक है। अब देखते हैं दो एरिया, ये और ये, ठीक है, ये भी डार्क है और ये मिड टोन्स में आ जाता है अगर अपन इसे लाइट टोन कंसिडर करें। तो इस इतना जो एरिया है जैसे ये नीचे वाला, इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के हैचिंग में फिल कर दो। तो मैं ये कर रहा हूँ कि डायगनल्स में, ठीक है। अब इसके लिए क्या करो, नोटबुक अपने स्केच को थोड़ा सा टेढ़ा रख लो और इस तरीके थोड़े प्रेशर के साथ देना, ठीक है। अल्टीमेटली ये डार्क होगा, ठीक है, इस एरिया में नहीं भरना है अपन को इनको छोड़ के, ठीक है। जैसे यहाँ पे आओ डिवाइड कर दो कि ये नीचे वाला एरिया हो गया, इसको थोड़ा थोड़ा नीचे भी लेते जाओ, जैसे ये हैचिंग जा रही ना ये आगे पीछे की तरफ, और ये ऊपर ऊपर भी फिल कर दिया अपन ने इस तरीके से, तो अपन ईयर्स पे आते हैं। ईयर्स पे जैसे थोड़ा जो डार्क एरिया है ये वाला, इसको पहले मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा और उसे हल्का हल्का मैकेनिकल से शेड कर रहा हूँ, ताकि मेरे को एक आइडिया लग जाए कि ये जो अपना है ये पूरा डार्क एरिया है, ये ऊपर वाला है, ये अपना पूरा डार्क एरिया ऐसे, ओके। अब ये वाला एरिया खाली छूटा है, ये नीचे वाला, नीचे वाले तो जो स्ट्रोक्स हैं उन्हें मैकेनिकल पेंसिल से ऐसे थोड़े प्रेशर के साथ एक एक पर्टिकुलर स्ट्रोक्स ऐसे बनाओ अच्छे तरीके से, बना बना के, ओके। जो ईयर्स के अंदर है, अब ईयर की जो आउटलाइन है उसे अच्छे तरीके से दे दो, एकदम डार्क, जितना मैकेनिकल पेंसिल को बिना निप तोड़े प्रेशर लगा सकते हो। तो ईयर्स के अंदर जो है फिर ये पोर्शन, यहाँ पे भी एक एक करके अच्छे से स्ट्रोक्स देने, पास पास देने और रिफाइंड होने चाहिए। ऊपर वाले एरिया में भी आते हैं एकदम पास पास,
फिर और ऊपर वाले एरिया में अपन को थोड़ा सा है ना जो हाइलाइट छोड़ दें उसे खाली रखो, और फिर अपन जो मैकेनिकल इरेजर है अपनी उससे जैसे यहाँ पे पूरे में हाइलाइट्स से बहुत एकदम लाइट है तो इरेज कर लो, जो अपन ने फिल कर रखा था ना उसको फिर इरेज कर लो, जो अपन ने ब्रश से ग्रेफाइट फिल किया था, क्योंकि ये ऊपर वाला तो डार्क एरिया आ गया है, यहाँ पे तो अपन अब फिल कर देंगे ऐसे एक और डायरेक्शन जो आ रही है यहाँ पे, बस ठीक है नीचे की तरफ स्ट्रोक्स है ऐसे, ये डालना स्टार्ट करेंगे अपन, और इन्हें थोड़ा पास पास और प्रेशर के साथ डाल। अब देखो जरूरी नहीं यहाँ से यहाँ एक बार में स्ट्रोक्स आ जाए, तो जहां तक आ रहे हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स इस तरीके से आ रहे हैं, एक बार में यहां तक आ रहे हैं स्ट्रेट स्ट्रोक्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, या उसी के नीचे से और स्ट्रोक्स लगाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो ये वाला जो अपनी लाइन है इसे और डार्क कर लो आउटलाइन में, ओके। और चेहरे की जो आउटलाइन है अब वो डार्क करो, जो ग्रिड है वो अपन इरेज करेंगे। तो अब आईज वाला पोर्शन करना है अपन को, तो आईज वाले पोर्शन के लिए अपन ने हल्का सा ब्रश पे जो ग्रेफाइट था उसे यहाँ आईज वाले जो एरिया है जैसे नीचे कर्व है और ऊपर का जो एरिया है यहाँ यहाँ चलाया, ठीक है, आईज के अंदर नहीं सिर्फ ऐसे बाहर सराउंडिंग में। अब क्या करना है, आईज को एकदम ही डार्क कर लो, ठीक है। पहली चीज जो अंदर प्यूपिल है 10 भी लो और अच्छे तरीके से उसे डार्क कर लो, जो आई की आउटलाइन है जैसे अपन यूजुअली रियलिस्टिक स्केच में करते हैं उसी तरीके से करना, ये जो पहाड़ वाला आउटलाइन है अपनी 10B पेंसिल शार्प रखना, ऊपर का जो कर्व आता है ठीक है पूरा एकदम नीचे तक मत लाना, ये अपन मैकेनिकल से करेंगे, ओके। इतना करके अब मैकेनिकल पे स्विच करो, ये आगे की तरफ जो है प्रेशर के साथ ही लाना है अपन को, वो ऑलरेडी अपना HB से सॉरी 10B से HB ग्रेड गिर जाएगा तो अपन को उतना जरूरत नहीं है, इसे प्रेशर के साथ करो ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, और हाथ नहीं कप कप आने चाहिए इस समय। ठीक है जो बाकी की डिटेल्स थी उन्हें और डार्क कर लो, जो नोज का कर्व वैसे आ रहा है ठीक है, ये आउटलाइंस दे दी। अब शेड करना है, तो शेड करने के लिए जो जैसे आयरिस वाला पोर्शन है तो ऊपर का हिस्सा डार्क होता है और नीचे आते आते लाइट होता है, तो जितना किया अब पतला वाला एक ब्लेंडिंग स्टम्प लो, ओके। पतले वाले ब्लेंडिंग स्टम्प से ऊपर का हिस्सा ब्लेंड करना स्टार्ट कर दो, हल्का हल्का वो नीचे आएगा ग्रेफाइट, उतना काफी है ठीक है। इसमें और डेप्थ देनी है जैसे, तो अपन क्या करते हैं सिर्फ ऊपर ऊपर वाले एरिया में 10B से शेड किया अच्छे तरीके से सिर्फ ऊपर ऊपर एरिया में, ताकि उसे अपन फैलाते हुए नीचे की तरफ ले आए, ओके। इस तरीके से वो हाईलाइट जो है अपन बाद में दे देंगे वाइट जेल पेन से। अब जैसे ये बात ध्यान रखना, अपन स्ट्रोक्स जो है यहां से ऐसे लगाने स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। वो धीरे धीरे रोटेट होंगे, जैसे यहां पे आया तो इस तरीके के होंगे, फिर धीरे धीरे इस तरीके के होंगे यहाँ पे, जैसे जैसे ये आगे जाता जा रहा है यहाँ पे स्ट्रोक्स इस तरीके के आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पास पास लगाना है, एक एक स्ट्रोक लगाना है अच्छे तरीके से, तो पास पास लगाना और बहुत ही रिफाइनमेंट के साथ, ठीक है। पीछे से तो ठीक है, जैसे ही सेंटर पे आओ तो नीचे के स्ट्रोक्स अलग लगेंगे ऊपर के स्ट्रोक्स अलग लगेंगे इस तरीके से, क्योंकि नीचे वाले स्ट्रोक्स अगर अपन देखें ये आगे जाते समय यहाँ पे टिप के पास ही गायब होते जा रहे हैं, यहाँ पे आइए लाइट हुए और ये गायब हो गए, जबकि ऊपर वाले हैं अभी भी, अभी सिर्फ ऊपर वाला कर्व देख रहा हूं मैं,
ठीक है, ये थोड़े नीचे आगे की तरफ आए और ये खत्म हो गए, ये ऊपर की तरफ आए, ये ऐसे धीरे धीरे आगे जाते जा रहे हैं नोज की तरफ। ओके, ये हल्का हल्का जो है यहाँ पे इस तरीके से जो लंबे लंबे स्ट्रोक्स आ रहे हैं ये बीच में, ये लगाया अपन ने। फिर नीचे वाले कर्व के स्ट्रोक्स जो है, ठीक है, ये अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं थोड़े से, इस तरीके से एक एक स्ट्रोक लगाएंगे अपन। धीरे धीरे ये थोड़े टेढ़े होते जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड। अभी ऐसे में स्टार्ट हुए, जैसे लेफ्ट जाते जा रहे हैं इनकी डायरेक्शन थोड़ी लेफ्ट हैंड साइड होती जा रही है। फिर और नीचे की तरफ जो आ रहे हैं वो इस तरीके से आ रहे हैं। ओके, एक चीज ध्यान रखना है, ये हल्का सा नोज पे जो आ रहा है ना यहाँ पे, ये इस तरीके के शेप में, ये भी साथ साथ में ही लगा लूं नोज के साथ, तो वो एक पूरा जो पर्टिकुलर एरिया होता है ये अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। अपन को बस एक चीज पे ध्यान देना है, ब्लेंडिंग स्टंप लेके जो एरिया पर्टिकुलरली थोड़े डार्क है, जैसे यहाँ यहाँ पे से कर्व आ रहा, इसके सराउंडिंग में डार्क है थोड़ा, यहाँ यहाँ डार्क है, ये वाला हिस्सा थोड़ा डार्क हो गया, ऊपर वाला तो है ही, तो ऊपर वाले को क्या करो अभी से ब्लेंड कर लो ये वाले एरिया को, साथ साथ में ब्लेंडिंग स्टंप के साथ ये वाला एरिया जो आता है अपने हैट के नीचे, इसे भी ब्लेंड करेंगे। कहाँ तक? थोड़ा नीचे तक, ठीक है। ये थोड़ी जॉ लाइन जो है इसे भी ब्लेंड करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं अपन? क्योंकि यहाँ पे पूरी ऊपर डेप्थ है, ठीक है, स्ट्रोक्स कम दिख रहे हैं, तो अभी से अपन ने एक रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन की अपने, ताकि आसानी रहे, और फिर बाकी इसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए हल्का हल्का ब्रश चला लो यहाँ पे। नीचे नहीं जाना चाहिए इस एरिया में, सिर्फ जहां जहां स्ट्रोक्स हैं, ओके, ब्रश से वहीं चलाओ ताकि ग्रेफाइट और ज्यादा कहीं ना फैले, अननेसेसरी जगह नहीं फैले, ओके। जहां नेसेसरी है वहीं आना चाहिए। आई के लेफ्ट हैंड साइड देखो, यहाँ पे भी है, और इस तरीके से अपना ये क्लियर हो जाता है। यहाँ पे नोज के बीच में जो ये बना रखा है इसे आउटलाइन दीजिए, और फिर यहाँ हल्का हल्का सा शेड है यहाँ पे थोड़ा सा, उसके बाद स्ट्रोक्स, तो एक ही स्ट्रोक पर्टिकुलरली अच्छे से बनाना है। फिर नोज की आउटलाइन दी अपन ने, इसमें भी सेम तरीका करने के अपन, आयरिस को डार्क करा पूरा, ये आई की आउटलाइन उसकी 10B से दी, अब एक चीज और है, जैसे ये आईब्राउज जा रहे हैं इनके यहां से इस तरीके से थोड़े, तो जो स्ट्रोक्स जा रहे हैं पीछे ऐसे इस तरीके से स्ट्रोक्स स्ट्रोक्स में बनाने, 10B से ही बना दो डायरेक्ट, ओके, इस तरीके से। थोड़ी आई इस तरीके से मोटी है यहाँ पे, तो 10B से थोड़ी एक मोटी सी आउटलाइन देना, ओके। इतना करने के बाद वही अपन मैकेनिकल पेंसिल से पूरी आउटलाइन देंगे बाकी चीजों की, जो रिंकल्स आ रहे हैं, जो कवरिंग्स हैं, ओके, इस तरीके से। इसमें भी अपन थोड़े स्ट्रोक्स देंगे,
ओके, इस तरीके से कवरिंग दे दिया अपन ने। तो अब अपन को बस स्ट्रोक्स लगाने, स्ट्रोक्स अब अपन को थोड़े पास पास और एकदम रिफाइंड लगाने। तो इस तरीके से नोज से जो स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से थोड़े बड़े हुए और फिर यहाँ पे आ गए। अब इस तरीके से जो स्ट्रोक्स जा रहे हैं यहाँ पे इस एरिया में, तो यहाँ से वही क्लॉक लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुए, सेंटर पे राइट साइड चले गए, इस तरीके से हो रहे हैं, या फिर पूरे एक डायरेक्शन में भर, ठीक है, पूरे एक ही डायरेक्शन में फिल कर दो इस तरीके से, डिपेंडिंग अपॉन यू किस तरीके से करना है। क्योंकि यहाँ पे अपन ब्लेंड करेंगे, इस एरिया में नहीं करना है ऊपर वाले, क्योंकि ये खाली दिख रहा है अपन को, तो वहां पे सिर्फ ब्लेंड होगा। ठीक है, नीचे वाले एरिया में हर जगह नहीं है, ठीक है, शेडिंग यहाँ पे भी अपन इस तरीके से नीचे ब्लेंड करते हैं, थोड़ा ब्रश चला लूं ताकि ग्रेफाइट आ जाए सिर्फ नीचे नीचे वाले एरिया में से। ओके, अब एक एक पतला पतला स्ट्रोक्स लगाएंगे अपन यहाँ पे। फिर और नीचे नीचे की तरफ जो स्ट्रोक्स आ रहे थे ये वाले, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं ऐसे बड़े बड़े, फिर यहाँ जा रहे हैं थोड़े थोड़े, यहाँ पे हल्का छूटेगा ये, तो वो अपन को ध्यान रखना है। पर्टिकुलरली हर जगह शेड वो हैचिंग नहीं है, कुछ जगह सिर्फ शेडिंग से अपन ने छुप कर दिया है। फिर अपन ऊपर आते हैं यहाँ पे इस तरीके से, आयरिस के अंदर अपन ने ब्लेंड किया, फिर यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टंप्स से ब्लेंड किया, नीचे नीचे की तरफ थोड़ा छोड़ना है अपन को हाइलाइट सब, ताकि वो लाइट लगे। इतना करने के बाद ज्यादा कुछ नहीं करना, ब्लेंडिंग स्टंप लेना है, आयरिस को करना है अच्छे तरीके से, जो अपन ने आईब्रो बना रखे हैं ये यहाँ पे, इस आईब्रो नहीं है ये, सॉरी, इस तरीके से शेडिंग ही आ रही है ये, ठीक है, उसे करेंगे। और ये ऊपर का बाकी का एरिया भी अपन ऐसे डेप्थ में देने लगेंगे, पूरा नहीं करना, हल्के हल्के हाइलाइट्स हैं, ठीक है, उनका ध्यान रखना है और ये अपना हो जाता है। ओके, सेम चीज यहाँ पे भी हल्का हल्का डेप्थ आएगी और फिर वो अपन ब्लेंडिंग स्टंप से इतना पर्टिकुलरली एरिया ब्लेंड कर लिया। तो अपन ने आईज वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया है, नोज करना है। अब नोज पे क्या करना, हल्का सा ब्लेंड कर, ब्लेंडिंग स्टंप की वजह से हल्का हल्का शेड जो है वो यहाँ कर लो, और नीचे की तरफ अपन थोड़ा डार्क करेंगे, तो वो बाद में करते हैं, पहले यहाँ से थोड़े डार्क स्ट्रोक्स लगाएंगे अपन इस तरीके से, ठीक है, थोड़े ऊपर की तरफ जाते हुए, फिर यहाँ पे थोड़े इसमें क्रॉस हैचिंग कर देंगे, ठीक है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड नहीं, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड। ओके, हल्की हल्की यहाँ यहाँ पे जो शेडिंग है वो सब, अब 6B कोई पेंसिल ले लो, कोई भी डार्क पेंसिल, 6B 8B, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना, 10B नहीं लेना, तो 6B लीजिए। जैसे मैंने, तो मैंने क्या करूंगा, इसे अच्छे तरीके से धीरे धीरे सर्कुलर चला रहा हूँ, इसको मैं डार्क करना स्टार्ट कर दिया, शेड करना, ठीक है, यहां तक शेड करा। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी हैचिंग कर दी मैंने मैकेनिकल पेंसिल से, ताकि वो ब्लेंडिंग के टाइम पे ऐसा लगे कि डेप्थ से स्केचिंग आ रही है अपनी, हैचिंग। तो यहाँ पे अपन ने ब्लेंड करना स्टार्ट किया और यहाँ पे ऐसे करके छोड़ दिया, ताकि यहाँ पे हैचिंग वाला लुक आए। अपन आउटलाइन के लिए 10B पेंसिल यूज कर सकते हो यहाँ पे, ताकि वो अपने शेडो जो है उससे थोड़ा सा डिफर करे। ओके, हल्का हल्का शेड करके अपन को बहुत भरना नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक लुक सा चाहिए, यहाँ पे डेप्थ चाहिए हल्की फुल्की। यहाँ पे भी कर सकते, यहाँ पे इस तरीके से आ रही है, सेम चीज यहाँ पे,
लिप्स करते हैं अपन, तो लिप्स में पहले एक आउटलाइन दे दो अच्छी सी डार्क सी उसकी। फिर अब लिप्स को करने से पहले जो आसपास जो उसकी शेडिंग है, जैसे यहाँ पे देखो यहाँ से स्ट्रोक्स आ रहे हैं, थोड़े इस तरीके से करते हुए आ रहे हैं यहाँ पे हल्के हल्के, ओके यहाँ पे आ रहे हैं थोड़े लेफ्ट हैंड साइड अगर देखो, यहाँ से जो छोटे से स्ट्रोक आ रहे हैं बड़े होते जा रहे हैं, हल्के हल्के सराउंडिंग वाले स्ट्रोक्स दो, ओके लिप्स के नीचे जो स्ट्रोक्स हैं जो हैचिंग वाला एरिया आ रहा पूरा, ओके अब जो नीचे नीचे है हैचिंग यहाँ पे छोटे से स्टार्ट हुई, कैसे जा रही है ये, अगर छोटे से ऐसे स्टार्ट हुई पास पास करना है, थोड़ा डार्क कर रखना है इसको और यहाँ पे हो गया। अब इसको क्या करना है अपन को, ब्लेंडिंग स्टंप से अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लो सराउंडिंग में, जो लिप लोअर लिप की सराउंडिंग है, सिर्फ उसको, पूरी हैचिंग को नहीं सिर्फ इतनी एरिया को। अब अपर लिप में हैचिंग कैसी है, वर्टिकल ठीक है, थोड़े थोड़े राइट में जाते हुए यहाँ की तरफ पॉइंट करें और थोड़े थोड़े ऐसे लेफ्ट में जाते समय यहाँ की तरफ पॉइंट करें, ओके। अब 10B पेंसिल लेनी है, कुछ नहीं करना, बीच में हल्का हल्का शेड करना है ऐसे ठीक है, थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड यहाँ यहाँ पे शेड करना है, सेंटर की दांत की तरफ लाइट हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या करना है लोअर लिप में ठीक है, नीचे की तरफ करना है शेड, लेकिन इस तरीके से आगे आगे की तरफ निकालते हुए ताकि एक वो लुक आए, थोड़ा सेंटर में थोड़े डेप्थ के साथ करना है, यही चीज अपन ब्लेंड कर देंगे। तो सेंटर में अपन ने इस तरीके से ब्लेंडिंग स्टंप की मदद से किया, अपर लिप में चलाया हल्का सा ब्लेंडिंग स्टंप, ये जो नीचे की तरफ है इनमें भी ऐसी स्ट्रोक्स लगाएंगे अपन ब्लेंडिंग स्टंप से, ओके थोड़ा यहाँ यहाँ पे भी है, तो ये ब्लेंडिंग स्टंप में जो ग्रेफाइट है उसी से हो जाएगा और ये अपना लिप्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। जो सिगरेट है उसको अच्छे तरीके से एकदम डार्क कर लो आउटलाइन, सिगरेट में बस एक चीज करनी है, ब्लेंडिंग स्टंप लेना है तो नीचे की लाइन है बस यहाँ पे हल्का सा ऐसे एक ये बना दो, उससे एक अच्छा लुक आ जाता है ठीक है, उससे एक बहुत अच्छा लुक आ जाता है। अपनी आंखों में थोड़ी शाइन की कमी है तो वो व्हाइट जेल पेन लो, जहां पे अपन ने पर्टिकुलरली वो स्पॉट बनाया था ना वहां पे, अब इसकी आउटलाइन भी देनी है, एक बार सूखने देना फिर इसकी आउटलाइन देना, तो इतने में अपना क्या है फेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है बेसिक लेयर। तो नेक वाले पोर्शन में हल्का सा ब्रश चलाना है अपन को, पूरे में नहीं, नीचे वाले पोर्शन में नहीं, सिर्फ यहाँ यहाँ पे, ठीक है, ताकि अपन को पता चल जाए। अब अपन को एक ही पर्टिकुलर एरिया पकड़ना है, जैसे पीछे वाला ये पूरा डार्क है ओके, उसका तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो आता है ठीक है, यहाँ पे पास पास एक एक स्ट्रोक लगाते जाना है अपन को, ठीक है ये पास पास से। अब यहाँ पे जो आ रहे हैं वो थोड़े दूर दूर होंगे, लेकिन प्रेशर के साथ और डार्क इन्हें भी करना है, एंड में जाते जाते थोड़े पास हो गए ठीक है, या बाहर की तरफ आते आते थोड़े और दूर हो गए। यहाँ पे देख सकते हैं अपन क्रॉस हैचिंग जो है, क्रॉस हैचिंग की तरह आ रहे हैं, तो अपन ने एक डायरेक्शन पकड़ी ओके,
और फिर इस तरीके से दूसरी डायरेक्शन में उसे हैच करने लगते हैं। ओके, यहाँ वाले पोर्शन में भी हैचिंग है। और ये जो कोट की हैचिंग है पूरी, ये वाली, ये प्लेट या फिर ये होमवर्क है। ओके, अपना चेहरे का हो गया है। यहाँ पे बस एक चीज करना है, 10B पेंसिल लो, 10B पेंसिल से जो नीचे नीचे हल्का हल्का शेड करो, ओके, नेक के नीचे हल्का हल्का, उसे 10B से शेड करने के बाद इसको ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कीजिए और फिर नीचे नीचे लाइए हल्का हल्का, ठीक है, चेहरे पे नहीं रखना। और ब्लेंडिंग स्टम्प को थोड़ा स्मूथली चलाओ, जैसे यहाँ यहाँ पे भी चलाया है, उतने एरिया में रखो जहाँ पे 10B चलाया है, ऊपर ऊपर में हल्का हल्का 10B किया अपन ने, जहां जहां हल्की हल्की शेडिंग दिख रही है वहां वहां मैकेनिकल पेंसिल या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज कर सकते हो, और ब्रश का भी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इतना हो जाता है, ठीक है। और आज के लिए इतना काफी है।